डायरिया क्या है, ये किन किन कारणों से होता है, इसके क्या साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही जब डायरिया होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा डायरिया को रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें हम ओरल ट्रीटमेंट जिसमें टेबलेट तथा सिरप दी जाती है और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जिसमें इंजेक्शन तथा ड्रिप लगाए जाते हैं, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से डोजेस दी जाती है, कितने दिनों तक दिया जाता है। इन सभी बातों को पूरा जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको। नमस्ते दोस्तों, डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई एक समस्या है जो सामान्यतः खाने पीने की गड़बड़ी होने के कारण होती है। यह समस्या उस समय होती है जब हम जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब खाना हमारे शरीर में नहीं पचता है। तो इस वजह से जो नहीं पचा हुआ खाना अनडाइजेस्ट फूड है वो पानी के साथ मिलकर मोशन के रूप में निकलता है, और ये मोशन जो बार बार होता है तो हम इसे डायरिया कहते हैं। और यह डायरिया जो मोशन है फ्रीक्वेंटली, मतलब दिन में 10 से 12 बार या इससे ज्यादा समय संख्या बार हो, तो उस समय इसे हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। यह डायरिया किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। अगर इसके कारणों के बारे में जाने क्या क्या कारण से डायरिया हो जाता है, तो जो मोस्ट कॉमन कारण है उसमें तो वायरल इन्फेक्शन है। जब वायरल इन्फेक्शन व्यक्ति को होता है डायरिया की समस्या होती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हो गया हो, किसी ने ओवर ईटिंग कर ली मतलब ज्यादा खाना खा लिया हो, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर मतलब संक्रमणित खाना या पानी पी लेने से भी ये समस्या होती है, किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति का जो इंटेस्टाइन है वो पानी का एब्जॉर्प्शन कम कर पा रहा हो, पानी के एब्जॉर्प्शन की कमी उसमें हो, तब ये समस्या हो सकती है, पेट तथा इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई किसी प्रकार की बीमारी में व्यक्ति में है, लीवर डिजीज किसी व्यक्ति को है, या कोई व्यक्ति है जिसने एक्सेसिव लेक्सेटिव ड्रग का प्रयोग कर लिया, मतलब जो कब्ज तोड़ने की दवा है उसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ले लिया हो, तो इन सभी कारणों की वजह से व्यक्ति को डायरिया हो सकती है, दस्त हो सकती है। और जब व्यक्ति को दस्त होती है उसमें कुछ साइन है, सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जो सबसे पहला लक्षण है जिसको हमने जाना था, बार बार व्यक्ति को मोशन लगेगा। इसके अलावा पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ चलना, यह स्थिति हो सकती है। साथ ही पेट में भारीपन लगना, नोजिया वोमिटिंग मतलब जी मसलाना, उल्टी जैसा लगना, ज्यादा दस्त लगने पर वेट लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी हो सकती है, टायर्डनेस व्यक्ति को थकान हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, कई बार व्यक्ति को चक्कर भी आ सकती है और बेहोशी भी हो जाती है। और इसके अलावा व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, और जो यूरिनेशन स्थिति है जो पेशाब करते हैं वह संख्या कम हो सकती है, यूरिन का जो अमाउंट है वह कम हो सकता है, क्योंकि बार बार दस्त लगने से व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह के जो साइन सिम्टम्स से देखे जाते हैं जब व्यक्ति को दस्त की डायरिया की समस्या होती है। अगर इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही ठीक कर दिया जाए, इसका इलाज ले लिया जाए, तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं, नॉर्मल सी बीमारी है। लेकिन यदि दस्त को डायरिया को समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो ये बहुत ही भयावह बीमारी का रूप ले लेती, बहुत ही ज्यादा परेशान करती। इसी कारण से जब भी इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे, आपको दस्त लगे, तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जब भी हम डॉक्टर के पास डायरिया की समस्या को लेकर जाते हैं तो उनके द्वारा कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है, वह क्या दिया जाता है उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें ओरल थेरेपी में टेबलेट तथा सिरप दी जाती है, और जो एक्यूट स्थिति होती है उसमें इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, जिसमें इंजेक्शन तथा ड्रिप जिसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं वह लगाए जाते हैं। इनको हम बारी बारी से जान लेते हैं। पहले हम ओरल थेरेपी में क्या क्या दवा दी जाती है उसको जान लेते हैं। ओरल ट्रीटमेंट जब व्यक्ति का किया जाता है तो उसमें 6 से 7 प्रकार की अलग अलग दवाइयां टेबलेट्स दी जाती है, जिसमें सबसे पहली टेबलेट है लोपिरामाइड 2 मिलीग्राम की टेबलेट। इसके अलावा दूसरी जो अन्य टेबलेट है उसमें नोफ्लोक्सासिन तथा टीनेडाजोल टेबलेट, जिसे आप नोफ्लोक्स टीजेड के नाम से जानते हैं, या ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल की टेबलेट दी जाएगी, जिसे जेनफ्लोक्स ओजेड के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई एक टेबलेट दी जाती है। व्यक्ति में जब पेट दर्द होता है उसको रोकने के लिए ड्रोट्रावरिन तथा मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसे आप ड्रोट एम से ड्रोटिन एम के नाम से जानते हैं। साथ ही इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन या पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट ही एज ए पेन किलर दी जा सकती है, जो साइक्लोपाम इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम। और किसी व्यक्ति को जब उल्टी होती है तो उसे रोकने के लिए डोमपेरिडोन टेबलेट, जिसकी पॉपुलर ब्रांड है डोम डीटी, या ओंडेंसेट्रोन टेबलेट जिसे आप एमसेट एमडी नाम से या जोफर एमडी नाम से जानते हैं, यह दिया जाता है। जब व्यक्ति को ज्यादा दस्त लगती है तो उसमें पानी की कमी तथा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है। साथ ही जब व्यक्ति को डायरिया होता है तो पेट में गैस बनने की स्थिति भी होती है, तो एंटासिड टेबलेट कैप्सूल दिए जाते हैं, जिसमें पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबीप्राजोल कोई भी एक दिया जा सकता है। और एक टेबलेट विशेष तौर से व्यक्ति में दी जाती वो होती है रेसिकाडोट्रिल 100 मिलीग्राम की टेबलेट, जिसे आप ZDO टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह इंटेस्टाइन में पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का कार्य करता है।
ये कुल 6 से 7 प्रकार की अलग अलग टेबलेट दी जाती है। कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है, कितने दिनों तक दिया जाता है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो लोपेरामाइड टेबलेट है 2 मिलीग्राम की, इसे सामान्य अगर किसी को दस्त लग रही है तो 2 टेबलेट एक साथ में, जिसे हम 2 टेबलेट स्टेट कहते हैं, दी जाती है। उससे दस्त रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर रुके तो उसे व्यक्ति को दिन में 3 बार ये टेबलेट दी जाती है। जो एंटीबायोटिक टेबलेट जिसके बारे में हमने जाना था, नोफ्लोक्स टीजेड या जेनफ्लोक्स ओजेड, दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाएगी, यह सुबह एक तथा शाम को एक, दिन में 2 बार दी जाएगी। इसे भी खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। जो पेन किलर टेबलेट है जिसमें ड्रोटीन एम या साइक्लोपाम टेबलेट, इसे दिन में 2 या दिन में 3 बार मरीज की आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। जो उल्टी रोकने की दवा है जिसे हम ओंडेंसेट्रोन एमसेट के नाम से जानते हैं, डोमपेडोन अगर दे रहे हैं तो इसे भी दिन में 3 बार इसे खाने के पहले दिया जाएगा, जो उल्टी रोकने की दवा है। और जो ORS है इसे जब दिया जाएगा तो एक जो पाउच है उसे 1 लीटर बोतल के में मिलाकर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पीना होता है। अगर ज्यादा समस्या है तो दिन में 2 पाउच पीने की सलाह भी दी जाती है। व्यक्ति को पेट में जो एसिडिटी हो रही है उसको रोकने जो एंटासिड दिया जाता है, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल या रेमिप्राजोल, यह सिंगल शॉट में भी दिया जा सकता है। इसे हमेशा सुबह खाने के पहले लेना होता है। और कोई कोई डॉक्टर इसे पेंटाप्राजोल के साथ में डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन भी देते हैं, इसे भी खाने के पहले 1 बार ही लेना होता है। और जो रेसिकाडोटिल टेबलेट है जिसे G-DOT टेबलेट के नाम से आप जानते हैं, इसे दिन में 2 बार दिया जाता है, जिससे जो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन है पानी का वह बढ़ सके। इस तरह से यह ट्रीटमेंट दिया जाता है और इस ट्रीटमेंट को व्यक्ति को 5 से 7 दिन दिया जाता है, जिसमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसको ओरल थेरेपी देने पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला हो, या कोई व्यक्ति जिसको एक्यूट डायरिया हो गया हो, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे इंजेक्टेबल का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वह ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसे भी हम जान लेते हैं। उसमें भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन, उल्टी को रोकने का इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन, इस तरह से दिए जाते हैं। कुछ इन्फ्यूजन दिए जाते हैं जिसे हम ड्रिप कहते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक से शुरू करते हैं। जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है उसमें होता है जेंटामाइसिन 80 मिलीग्राम का इंजेक्शन या एमिकासिन 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन। इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसे IV इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है और दिन में 2 बार दिया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में एक छोटी ड्रिप आती है जो 100 ml की, आप सभी इसे भलीभांति जानते हो, है मेट्रोनिडाजोल ड्रिप या मेट्रोनिडाजोल IV इन्फ्यूजन इसे कहते हैं, साथ ही सिप्रोफ्लोक्सासिन IV इन्फ्यूजन, इन दोनों में भी एक दिया जाएगा। मतलब शुरुआती जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जाने थे जेंटामाइसिन एमिकासिन, इसमें से एक, और मेट्रो सिप्रो, इन दोनों में से कोई भी एक एक कप में मिश्र करके दिया जाता है। और किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है तो डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन दिया जाता है या डाइक्लोपिनेक इंजेक्शन भी कई बार दिया जाता है, जिससे कि दर्द रुक जाता है। उल्टी को रोकने के लिए एमसेट इंजेक्शन, जो 2 ml का एम्पूल है, एडल्ट में पूरा 1 एम्पूल दिया जाता है, SOS में इसको दिया जा सकता है, या दिन में 2 बार या दिन में 3 बार मरीज की नीड के अकॉर्डिंग उसे दिया जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसमें ज्यादा दर्द लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई हो, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, तो उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर द्वारा NS नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन या DNS डेक्सोज विद नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन या RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी एक 500 ml की जो बोतल है वह लगाई जाती है। इसे दिन में 1 बार लगाया जाता है, ज्यादा सीवियरिटी हो दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति का दस्त ज्यादा लगने के कारण ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उस समय D5 जो डेक्सोज 5% या डेक्सोज 25% है वह नहीं लगाई जाती, कोई ज्यादा फायदा नहीं करती, क्योंकि ब्लड प्रेशर को यह नहीं बढ़ा पाती। तो ब्लड प्रेशर तथा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हुआ है उसको ठीक करने के लिए जो तीनों NS, RL तथा DNS, इनमें से कोई भी एक ड्रिप लगाई जाती है। और यह ट्रीटमेंट सामान्यतः 2 से 3 दिन किया जाता है, उसके बाद में ओरल थेरेपी भी व्यक्ति को रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से डॉक्टर द्वारा डायरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। किस किस प्रकार की टेबलेट दी जाती है, कौन से इंजेक्टेबल दिए जाते हैं, जिसको मैंने पूरी